हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जो कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इस देश में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। इस देश को दुनिया के ताकतवर देशों में से एक कहा जाता है। और दोस्तों, ये देश इंडिया का सबसे पुराना दोस्त है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े देश रशिया की, जिसे रूस भी कहा जाता है। दोस्तों, रशिया का ऑफिशियल नेम रशियन फेडरेशन है और रशिया की राजधानी मॉस्को है, जहाँ दुनिया के कई बड़े बिजनेसमैन रहते हैं। एरिया से रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रूस का एरिया प्लूटो से भी बड़ा है। दोस्तों, पॉपुलेशन की बात करें तो रूस की पॉपुलेशन 14 करोड़ के आसपास है और इस टोटल पॉपुलेशन में से 74 लोग शहरों में रहते हैं और 26% लोग गांव में। दोस्तों, पुराने समय से ही हमारे देश के साथ रूस के रिलेशन काफी अच्छे रहे हैं। रूस ने कई बार इंडिया को वॉर जैसी सिचुएशन में भी काफी ज्यादा मदद की है। इंडिया को जब भी किसी मदद की जरूरत पड़ती है तो रूस हमेशा से ही हमारे देश के साथ खड़ा रहता है। इंडिया और रूस के बीच कई समझौते भी हुए हैं। इंडिया के पास बहुत सारे रूस से खरीदे हुए फाइटर प्लेन्स भी है। नहीं बल्कि इंडिया के लिए रूस अमेरिका जैसे देश के भी सामने खड़ा हो गया था, क्योंकि इंडिया और रूस के रिलेशन को देखते हुए अमेरिका को भी पीछे हटना पड़ा। दोस्तों, रूस में आपको महिलाएं बहुत ही ज्यादा नजर आएगी, जबकि दुनिया के सारे देशों में पुरुषों की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन रूस में ठीक इसका उल्टा है। रूस की करेंसी है रशियन रबल, जो कि इंडिया से भी महंगी करेंसी है। दोस्तों, रूस में कोई भी इंसान गंदी कार हाईवे पर नहीं चला सकता, ये यहाँ का स्ट्रिक्ट कानून है। जो भी कोई इंसान गाड़ी लेकर घर से निकलता है तो उसे पहले अपनी गाड़ी अच्छे से साफ करनी पड़ती है, और अगर कोई ये कानून तोड़ता है तो उसे अच्छा खासा फाइन भरना पड़ता है। इसी वजह से रशिया की कार हमें इतनी साफ सुथरी दिखाई देती है। दोस्तों, यहाँ मॉस्को शहर में काफी ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ के लोग कार्स में एक साथ ही सुबह काम पर निकलते हैं और इसी वजह से यहाँ बहुत बड़ी ट्रैफिक लग जाती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक से बचने के लिए यहाँ के लोग एम्बुलेंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसा करना इल्लीगल होने की वजह से पुलिस किसी बेवजह एम्बुलेंस में बैठे इंसान को पकड़ती है तो उसे 5 साल तक की सजा होती है। लेकिन फिर भी यहाँ हर साल 4,000 से भी ज्यादा ऐसे फर्जी एम्बुलेंस केसेस दाखिल होते हैं। दोस्तों, रूस के लोग शराब पीने के बहुत ही शौकीन होते हैं। वो शराब पिए बिना रह ही नहीं सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ ठंड के नाम पर ही शराब पीते हैं। लेकिन ठीक इसके उल्टा रूस के लोग अपने हेल्थ को लेकर भी काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। एक तरफ ये लोग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं तो सुबह मेहनत करके उतना ही पसीना भी बहाते हैं। दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि पृथ्वी सूरज के चक्कर काटती है, लेकिन रूस के लोग ऐसा नहीं समझते हैं। बल्कि रूस में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूरज पृथ्वी के चक्कर काटता है। दोस्तों, यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि रूस में अभी भी 15 ऐसे शहर है जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है, और कहा यह भी जाता है कि इन शहरों में ही न्यूक्लियर पावर को रखा जाता है और इन शहरों को दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा गया है। हालांकि ये बात 100% कंफर्म नहीं है, लेकिन इस देश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अभी तक किसी को भी नहीं पता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि रूस में पीटर द ग्रेट के शासन में लोगों को दाढ़ी रखने का भी टैक्स देना पड़ता था, जो कि बहुत ही अजीब नियम हुआ करता था। दोस्तों, रूस का नेशनल फूड पेलेमनी है। पेलेमनी एक तरह की पेस्ट्री होती है जिसमें मांस भरा होता है और पतले पास्ता जैसे आटे से ये पेलेमनी बनाई जाती है। रूस के लोग दुनिया के सुंदर लोगों में शामिल है। यहाँ के लड़के काफी ज्यादा लंबे और मस्कुलर होते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि रूस में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। नंबर 1, मॉस्को। दोस्तों, मॉस्को सिर्फ रूस की राजधानी नहीं बल्कि रूस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और नंबर 1 टूरिस्ट शहर भी है। मॉस्को में घूमने के लिए इतने प्लेसेस है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपको म्यूजियम घूमने का शौक है तो आपको स्टेट हिस्टोरिकल म्यूजियम जरूर जाना चाहिए। नंबर 2, सेंट पीटर्सबर्ग। दोस्तों, सेंट पीटर्सबर्ग को रूस की शाही राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि एक शानदार शहर है। रूस के सारे शाही महल और म्यूजियम इसी शहर में है। सेंट पीटर्सबर्ग रूस का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और रूस के लिए ये शहर कल्चर और पॉलिटिकली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये शहर टूरिज्म के लिए भी जाना जाता है और इस शहर में बहुत ही बड़ी तादाद में टूरिस्ट आते हैं। नंबर 3, कजान। ये एक ऐसा शहर है जहाँ एशियन और यूरोपियन संस्कृतियाँ काफी ज्यादा मिलती जुलती है, और तातर भाषा में कजान का मतलब है कढ़ाई। 2018 का फुटबॉल वर्ल्ड कप होस्ट करने के साथ ही इस शहर में और भी कई स्पोर्ट इवेंट का आयोजन हुआ था, जिस वजह से इस शहर को स्पोर्ट कैपिटल ऑफ रशिया के नाम से भी जाना जाता है। अब जबकि कजान में ज्यादातर मुस्लिम है तो इसी वजह से इस शहर में हमें कई खूबसूरत मस्जिदें देखने को मिलती है। नंबर 4, व्लादिवोस्टोक। दोस्तों, व्लादिवोस्टोक रूस के ईस्ट में मौजूद है और ये शहर चारों ओर पहाड़ों और खंडरों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से ये शहर और भी खूबसूरत दिखता है। ये शहर थिएटर और म्यूजियम के साथ कॉन्सर्ट और कल्चर का मुख्य केंद्र बिंदु है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस। तो दोस्तों, अगर आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स मौजूद है तो आपको लगभग 10 दिन के अंदर ही वीजा मिल जाएगा और आपको रूस में एक हफ्ता घूमने के लिए लगभग 1,80,000 रुपए लगेंगे। तो दोस्तों, ये था रूस, और क्या आप भी कभी घूमने के लिए रूस जाना चाहोगे? नीचे कमेंट जरूर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।